अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्लास, इन टुडेज लेक्चर वी शैल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ईयर एट हैरो। क्वेश्चन नंबर वन, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस विच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज विच दे कैन आंसर, इज द कंप्लेंट जस्ट? इट मीन्स सर विंस्टन चर्चिल ने फर्स्ट ईयर एट हैरो में ये कंप्लेन की है कि जो मुमकिन होता है हमेशा वो सवालात पूछता है जिसका स्टूडेंट जवाब नहीं दे सकते। वो सवालात क्यों नहीं वो पूछते जिनका स्टूडेंट जवाब दे सकते हैं? इज द कंप्लेंट जस्ट? अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि क्या ये जो उन्होंने शिकायत की है ये दुरुस्त है? इन माई व्यू दिस इज़ नॉट जस्ट, इट इज़ इन फैक्ट इट इज़ द कंप्लेंट ऑफ अ डल एंड आइडल स्टूडेंट्स, वेयर एज द ब्राइट स्टूडेंट कैन आंसर एनी क्वेश्चन आस्क इन द एग्जामिनेशन। दे आर ऑलवेज रेडी टू आंसर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इन फैक्ट द राइटर डिडंट लाइक लैटिन एंड मैथमेटिक्स, सो ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चंस इन दीज सब्जेक्ट्स। आप लोग इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? इस सवाल का जो आंसर है वो इस तरह से, जो मैंने आपको डिटेल में इसका आंसर आपके सामने मैंने आपको दिया है। इनफैक्ट ये जो कम्प्लेन है, ये जो उन स्टूडेंट्स की कम्प्लेन है जो कि डल एंड आइडल स्टूडेंट्स होते हैं। जहाँ तक अच्छे स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, वो किसी भी क्वेश्चन से फियरफुल नहीं होते और वो इम्तिहान में हर किस्म के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार होते हैं। सर विंस्टन चर्चिल ने ये कम्प्लेन इसलिए की है क्योंकि वो ग्रीक एंड लैटिन को डिसलाइक करते थे, देयरफॉर ही कंप्लेंट। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स, कि आपके जो मुमतहिन हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, वो किस किस्म के क्वेश्चंस करते हैं आपसे? द आंसर इज आवर एग्जामिनर्स आस्क बोथ ईजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसा ही होता है, अगर आप लोगों को अपने पेपर्स का कोई एक्सपीरियंस याद हो कि आपका जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही मुश्किल उसमें सवाल आप पूछे जाएं, और ऐसा भी नहीं होता कि सारे आसान सवाल हों। आपका जो पेपर होता है एक बैलेंस्ड मिक्सर होता है, उसमें कुछ ईजी क्वेश्चन होते हैं और कुछ मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। दे आस्क सच क्वेश्चन एज कैन डिस्टिंग्विश अ ब्राइट फ्रॉम एन ऑर्डनरी वन, कि पेपर का जो सेटअप होता है वो इस तरह का होता है कि जिसमें जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, वो नुमाया हो सके। दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इस हकीकत से भी आगाह होते हैं डेट मेजोरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, देयर फोर दे कीप इट इन व्यू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट वाइल सेटिंग द पेपर्स, कि जो एग्ज़ामिनर जो होते हैं जब पेपर सेट करते हैं तो उनके जहन में दे कीप इन माइंड द स्टूडेंट्स मेंटल लेवल ऑफ एवरी स्टूडेंट, कि हर स्टूडेंट को वो मेंटल लेवल अपने जहन में रखते हैं, इसके बाद वो पेपर सेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पेपर इस तरह का सेट कर दिया जाए कि सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट ही उसको सॉल्व कर सके, और ऐसा भी नहीं होता कि पेपर इतना आसान हो कि जो थोड़े से डल स्टूडेंट हैं, आइडल स्टूडेंट हैं, वो इजीली उसको अटेम्प्ट कर सके और उसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट में और डल स्टूडेंट में कोई फ़र्क ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशंस, वाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशंस, कि चर्चिल के जो इम्तहान हुए उसमें वो अच्छे तरीके से परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया? अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को सुना है तो इस क्वेश्चन के आंसर को हमने बार बार डिस्कस किया था कि इसकी दो रीजंस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिडंट लाइक दी एग्जामिनेशंस, एंड सेकेंडली क्या थी कि ही डिडंट लाइक दी लैटिन एंड ग्रीक, कि वो लैटिन एंड ग्रीक को पसंद नहीं करते थे। दी एग्जामिनर्स asked such questions on these subjects as he could not answer. He was not examined in history and essay writing which he liked. के जो सर विंस्टन चर्चिल थे वो चाहते थे कि उनसे हिस्ट्री और ऐसे राइटिंग में पेपर लिया जाए, लेकिन इसके जो बरक्स जो एग्जामिनर्स थे वो उनका पेपर लैटिन एंड ग्रीक में लेते थे। तो फिर इस सारे
इसका रिजल्ट फिर क्या होता था कि चर्चिल कुड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन, चर्चिल कभी भी अपने इम्तिहानात में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर। इसका आंसर हमने जो जब हमने रीडिंग की तो उसके जो सेकंड पैराग्राफ में उसमें डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने अपने लैटिन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया था जो उनका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था हैरो में। ही वॉज अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर, ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ही जस्ट रोट हिज नेम, देन ही रोट द नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर लिखा, ही पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट, फिर उन्होंने इस जो 1 लिखा था इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट डाल दी, देन अनोइंगली ही पुट अ ब्लॉट एंड नंबर ऑफ स्मजिस ऑन द पेपर, कि उन्हें समझ नहीं आई, उन्हें पता नहीं चला किस तरह से पेपर के ऊपर कुछ इंक के ब्लॉट्स गिर गए, दस ही लेफ्ट द एंटायर पेपर ब्लैंक, और बाकी सारा पेपर उनका बिल्कुल ही ब्लैंक था। इट मींस उनकी जो परफॉर्मेंस थी अपने एंट्रेंस टेस्ट में वो बिल्कुल ज़ीरो थी। क्वेश्चन नंबर 5, चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, वाज इट अ गेन आर लॉस। जैसे कि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि चर्चिल का क्योंकि जो एंट्रेंस टेस्ट था बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन ड्यू टू दी हेडमास्टर उनको हैरो में एडमिशन मिल गया, लेकिन उनको हैरो में जब एडमिशन मिला तो वो बहुत ही निचले दर्जे में मिला। तो उस टाइम हैरो में क्या था कि उस तरह के स्टूडेंट्स को लाइक सर विंस्टन चर्चिल उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती थी और इंटेलिजेंट स्टूडेंट को लैटिन एंड ग्रीक। इसलिए सर विंस्टन चर्चिल को भी इस क्वेश्चन में मुझे पूछ रहे हैं कि सर विंस्टन चर्चिल को इंग्लिश पढ़ाई गई, लैटिन और ग्रीक नहीं पढ़ाई गई, वाज इट अ गेन और लॉस, इसका क्या उन्हें फ़ायदा हुआ या नुकसान। चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो, ही टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस, उसका चर्चिल को जो इंग्लिश पढ़ाई गई इसका उनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ, दस ही लर्न इंग्लिश थारोली, ही लर्न इंग्लिश कम्प्लीटली, उन्होंने इंग्लिश को थारोली सीखा। दोज हु स्टडीड लैटिन एंड ग्रीक, ऐसे स्टूडेंट जिनको उस टाइम लैटिन एंड ग्रीक सिखाई जाती थी एंड दे कंसिडर्ड इट ऑनर, दे हैड टू लर्न इंग्लिश टू अर्न देयर लिविंग। बाद में क्योंकि इंग्लिश का जो स्टेटस था उसने इंग्लिश ने बहुत नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस गेन कर लिया, तो दे हैड टू लर्न इंग्लिश टू अर्न देयर लिविंग। सर विंस्टन चर्चिल क्योंकि इंग्लिश को सीखा हुआ था इसलिए सर विंस्टन चर्चिल फेस नो डिफ़िकल्टी इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ, बट वो जो स्टूडेंट्स थे जो ग्रीक और लैटिन में उस टाइम जिनको दे वॉन मैनी प्राइजेज एंड डिस्टिंक्शंस, उन स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ा, दे हैड टू लर्न इंग्लिश, उनको दोबारा से इंग्लिश सीखना पड़ी टू अर्न देयर लिविंग इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, रोजी कमाने के लिए। मोर ओवर ही बिकेम गुड राइटर, सर विंस्टन चर्चिल एक बहुत अच्छे राइटर बने इंग्लिश में। ही वॉज एबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड, सो इट वॉज अ गेन फॉर चर्चिल कि जो इंग्लिश की जो उन्होंने सीखा उधर हैरो में, इट वॉज नॉट अ लॉस फॉर सर विंस्टन चर्चिल, इट वॉज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर सर विंस्टन चर्चिल। वट गुड डिड हिज 3 years स्टे एट हैरो डू हिम। क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट गुड डिड हिज 3 years स्टे एट हैरो डू हिम, कि सर विंस्टन चर्चिल ने हैरो में उनका जो स्टे था 3 years का इससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 5 कि जब उन्होंने वहाँ पे इंग्लिश सीखी तो उनके लिए वो ये बहुत ही ब्लेसिंग साबित हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी उससे कुछ मिलता जुलता है कि चर्चिल्स 3 years स्टे एट हैरो मेड हिम लर्न इंग्लिश ग्रामर थारोली, उन्होंने अपने स्टे के दौरान इंग्लिश ग्रामर को सीखा, दिस हेल्प्ड हिम अलॉट इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 5 कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प्ड हिम, ही बिकेम अ गुड राइटर एंड आफ्टर वर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर, ही कंसिडर्ड द लर्निंग ऑफ इंग्लिश अ नोबल थिंग, कि उन्होंने इंग्लिश की लर्निंग को एक नोबल थिंग करार दिया, दस ही गॉट अ ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम हिज स्टे एट हैरो। क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इन योर टेक्सुअल क्वेश्चन,
In after years, how did the knowledge of English stand him in good stead? कि जो उनकी इंग्लिश का जो नॉलेज था उसने चर्चिल को बहुत सालों बाद जो उनको एक स्टेटस मिला उसमें वो किस तरह से उसकी उसके लिए वो हेल्पफुल साबित हुए. द आंसर इज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प चर्चिल इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ. ही वॉज अ डल स्टूडेंट. ही वॉज टॉट इंग्लिश नॉट लैटिन. ऑल दीज थिंग्स रिपीटेडली वी डिस्कस द सेम थिंग्स. ग्रीक एंड मैथमेटिक्स पहले बहुत दफ़ा ये बात डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर एट हैरो में कि फर्स्ट ईयर एट हैरो में सर विंस्टन चर्चिल को इंग्लिश सिखाई गई क्योंकि उस टाइम जो वहाँ पर ट्रेडिशन थी जो उनका एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसमें ग्रीक जो एंड लैटिन जो थी ग्रीक एंड लैटिन वर टार्ट टू दी ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड इंग्लिश वॉज टार्ट टू दी डल स्टूडेंट. एंड मिस्टर जो सर विंस्टन चर्चिल वॉज अ डल स्टूडेंट इन द बिगनिंग देयर फोर ही वॉज टॉट इंग्लिश. In this way, he learnt English 3 times more than other students. He became a good writer and a successful politician. Thus, teaching of English was a great gain for him. कि English को सीखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ही profitable साबित हुआ. You can say बहुत ही advantage मिला उनको practical life में. जैसे कि बार बार ये बार discuss कर रहे हैं कि जो उनके fellows थे जो कि school में they won prizes and distinction, they have to learn English in order to earn their living. But Sir Winston Churchill को किसी भी किस्म की problem को face नहीं करना पड़ा. ओके स्टूडेंट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन. राइट एन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल्स व्यू इन रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ लैटिन ग्रीक. कि सर विंस्टन चर्चिल के जो व्यूज थे लैटिन और ग्रीक के बारे में और इंग्लिश के बारे में एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग अ लिविंग उनको डिस्कस करें. चर्चिल जो थे इनफैक्ट ही इज़ इन फेवर ऑफ लर्निंग इंग्लिश. Since it is used in practical life for earning good living, Churchill values it more as compared to Latin and Greek. कि जो सर विंस्टन चर्चिल थे वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे than Greek and Latin languages. However, he says that the clever boys can learn Latin and Greek as an honor. साथ वो ये भी कहते थे कि लैटिन और ग्रीक को सीखने में कोई भी लॉस नहीं है. If one wants to learn Greek and Latin, one should be. Moreover, by knowing English language, one can earn a handsome living. लेकिन उनका ये भी पॉइंट था कि इंग्लिश को सीखने से दे कैन अर्न अ हैंडसम लिविंग. उसमें इनफैक्ट ही इंग्लिश जो थी उस टाइम इंग्लिश एज यू नो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट एनेबल्स वन टू अंडरस्टैंड द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इशूज़. वाइल ग्रीक एंड लैटिन आर नो मोर इम्पोर्टेंट नो देयर फोर सर विंस्टन चर्चिल वॉज इन फेवर of learning English. Okay student, we have discussed the 8 questions in your textual book. ठीक है इनको आप लोगों ने इनके आंसर्स को अच्छे तरीके से लर्न करना है. मैं आई हैव एक्सप्लेन्ड द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड नो आपकी जो की बुक है जो आपको सजेस्ट की हुई है उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो नो डिस्कस दीज एडिशनल क्वेश्चंस. आप लोगों ने इन एडिशनल क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से लर्न करना. मैंने टिक किए हुए हैं आप लोग भी अपनी अपनी बुक पे करें और उनको भी आपने लर्न करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई वर द एग्जामिनेशन अ ट्रायल टू चर्चिल. ये चर्चिल जो था उसके लिए इम्तहान जो थे वो एक आजमाइश क्यों थे. द एग्जामिनेशंस वर अ ट्रायल टू हिम because the subjects the examiners liked the most were almost always those which he liked least. सबसे बड़ी इसकी रीज़न क्या थी वो जो एक्सप्लेन करते हैं स्टोरी में. रिपीटेडली हमने इस बात को डिस्कस किया है कि जिन मज़ामीन को चर्चिल लाइक करता था उन मज़ामीन को जो मुमतहिन थे वो डिसलाइक करते थे. क्वेश्चन नंबर 2 इन विच सब्जेक्ट्स डिड द राइटर वॉन्ट टू बी एग्जाम्ड. वो कौन से सब्जेक्ट्स थे जिनमें राइटर पेपर देना चाहता था. द राइटर लाइक हिस्ट्री पोइट्री एंड राइटिंग एसेस देयरफॉर ही वांटेड टू बी एग्जाम इन दीज सब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना. इसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज चर्चिल कॉल एग्जामिनेशन एन इनहॉस्पिटेबल रीजन. कि चर्चिल जो था वो इम्तहानात को नासाजगार क्यों उसने कहा है कि बहुत ही मुश्किल एक चीज़ थी.
The examinations were a trial to him because the subjects the examiners liked the most were almost always those which he liked the least. Question number 1 और question number 4 का आंसर सेम है. आप एक भी क्वेश्चन को कर लोगे तो इट वुड बी एनफ. लेकिन क्वेश्चन अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट, दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है. तो आप लोग बेटर है कि क्वेश्चन नंबर 1 की बजाय क्वेश्चन नंबर 4 को लर्न कर लें. देयरफोर ही कुड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, सो ही कॉल्ड द एग्जामिनेशन एन इनहॉस्पिटेबल रीजन. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज द हेडमास्टर एट हैरो. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टेक्सचुअल में नहीं था, लेकिन इसको हमने डिटेल में इसकी जो रीडिंग है वो उसकी टेक्स्ट में की थी कि जो हेडमास्टर थे हैरो के वो किस तरह के थे. ही वॉज अ वाइज मैन, ही डिडेंट डिपेंड अपॉन द मेयर लुक ऑफ थिंग्स, कि वो चीज़ों की जो ज़ाहर एक शक्ल थी उस पर डिपेंड नहीं करते थे. रादर ही वॉज कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सर्फेस, के हकीकत में चीज़ों का वो इदराक कर लेते थे. ही कुड जज द रियल वैल्यूज ऑफ थिंग्स. इस क्वेश्चन को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वॉज द राइटर प्लेस्ड इन द स्कूल, के राइटर को स्कूल में किस दर्जा में रखा गया, क्योंकि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट था सर विंस्टन चर्चिल का उसमें आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी. द राइटर वॉज प्लेस्ड इन द थर्ड आर द लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम. क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इनको आपने स्किप कर देना है. आगे क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड मिस्टर समरवेल टीच इंग्लिश, कि मिस्टर समरवेल जो थे वो इंग्लिश किस तरह से पढ़ाते थे. ये हमने डिस्कस किया है कि मिस्टर समरवेल का जो टीचिंग मेथड था बहुत ही यूनिक था. ही टॉट इंग्लिश बाय मीन्स ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंक, कि वो क्या करते थे इंग्लिश को जब पढ़ाते तो वो ही यूज्ड इंक ऑफ डिफरेंट कलर्स. देन वो क्या करते, ही टुक अ लॉन्ग सेंटेंस, वो एक लंबा जुमला लेते एंड ब्रोक इट इंटू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉजेज कंडीशनल क्लॉजेज कंजक्शन एंड डिसजंक्टिव क्लॉजेज. इट मीन्स कि एक सेंटेंस को वो बोर्ड पर लिखते और फिर उसको ग्रामेटिकली उसको वो डिवाइड करते और उस सेंटेंस में जो भी अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो वर्ड्स लिखे होते उनको पॉइंट आउट करने के लिए ही यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ इंक. क्वेश्चन नंबर 11, वट हैपन टू द टैलेंटेड बॉयज हु लर्न ग्रीक एंड लैटिन, और वाई डिड द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ही स्कूल लर्न इंग्लिश लेटर. द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ही स्कूल वॉन प्राइजेज फॉर राइटिंग ब्यूटिफुल लैटिन एंड ग्रीक, बट लेटर दे हैड टू लर्न इंग्लिश टू अर्न देयर लिविंग एंड मेक प्रोग्रेस. कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि उस टाइम जो लैटिन एंड ग्रीक सिखाई जाती थी वो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने इनामात भी जीते, बट इन द प्रैक्टिकल लाइफ दे हैव टू लर्न इंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 12, वाई डज चर्चिल प्रेफर इंग्लिश टू अदर लैंग्वेजेस, के जो चर्चिल थे वो इंग्लिश को प्रेफरेंस क्यों देते हैं. द नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प चर्चिल इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ, कि इंग्लिश का जो नॉलेज है वो चर्चिल को उस प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ. ही बिकेम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिकेम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, देयरफोर ही प्रेफर्स इंग्लिश टू लैटिन एंड ग्रीक. ही अलाउज द क्लेवर बॉयज टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक एज एन ऑनर, बट दे मस्ट लर्न इंग्लिश फर्स्ट. को कहते हैं कि लैटिन एंड ग्रीक भी सीखें, लेकिन नो, इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम टू लर्न इंग्लिश फर्स्ट. ओके स्टूडेंट, वी नो वी हैव डिस्कस दी आल्सो द एडिशनल क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट ईयर एट हैरो. इसकी ट्रांसलेशन को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, इसके क्वेश्चंस को, इसके टेक्सुअल क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया, फिर इसके एडिशनल क्वेश्चन जितने भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, मैंने स्टार का जो मार्क के साथ बनाया हुआ है, अपने लोगों ने भी अपनी बुक पे ऐसे ही कर लेना है और इन सारे क्वेश्चन को आपने लर्न करना है. ओके जी, इनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शिल स्टार्ट our second hero hitchhiking across the Sahara. Take care of yourself and Allah Hafiz.